की जवाब में सुनी है, सुनिए पढ़ी है। पढ़िए। अच्छा, मैं आज ना आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक ना बंदर की और एक जो था ना वो क्या उसको बोलते हैं टर्टाइज नहीं टर्टल भी नहीं यार, मगरमच्छ जो होती है क्या बोलते हैं एलिगेटर, इन दोनों की स्टोरी सुनाती हूँ। बंदर और एलिगेटर। हाँ, इन दोनों की ना बड़ी ज़्यादा दोस्ती होती है। तो बंदर आपको पता है दरख्तों में रहता है ना, तो एलिगेटर जो है वो पानी में रहता है। तो ना लेकिन दोनों ना बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। रोज़ बंदर उसके पास जाता है, उससे बातें करता है मीठी मीठी। तो ना वो जो है एलिगेटर वो भी उससे बातें करता है और दोनों बड़े ज़्यादा ना हैप्पी होते हैं। उनकी दोस्ती इतनी अच्छी होती है कि ना लोग उनसे ना जलते हैं। तो वो जो था ना क्या उसका नाम है, एलिगेटर मुझे बार बार और मुझे भी झुकती हूँ मुझे ना कॉपरेट करो बेटे, मामा ना आगे उड़ गया बेटी, ना ही लो मैं तो भेज रही हूँ, उड़ गया मुझे सुनाए भी। अच्छा वो उनकी ना एक वो भी होती है कि वो जो बंदर होता है ना वो अपने दोस्त एलिगेटर के लिए ना रोजाना मीठी मीठी चीजें लेके आता। मतलब जो बंदर है ना उसको वो बड़ा शौक होता है ना, आपको पता है बंदर की फेवरेट जो खुराक है वो ये बनाना है। हाँ, तो वो दरख्तों पे रहता है ना, दरख्तों पे जो जो फल लगते हैं ना वो बड़े शौक से अपने दोस्त के लिए लेके आता है। और एलिगेटर भी खा के बड़ा खुश होता है, फिर दोनों घंटों बातें करते रहते हैं। तो ना एक जो लोमड़ी होती है ना वो देख रही होती है कि रोज़ बंदर आता है और अपने जनाब दोस्त के लिए मीठी मीठी चीज़ें लेके आता है। और उसको ना बड़ी जलन होती है। कहती है एक दिन ना जब बंदर चला जाता है ना तो कहती है, हाँ एलिगेटर के पास जाती है, कहती है कि ना आपका दोस्त रोज़ाना आपके लिए मीठी चीज़ें लेके आता है। वो कहता है हाँ हमारी दोस्ती ना बड़ी अच्छी है। वो कहती है हाँ मैं भी देख रही थी कि आपका दोस्त जो है ना बहुत ज़्यादा ना अच्छा है, आपके लिए ना बड़ी मीठी मीठी चीज़ें लेके आता है, लेकिन आपका दिल नहीं कभी किया कि आप उसको खाएं, पता ना एलिगेटर खा भी जाता है सबको। वो कहता है क्यों, मेरा दोस्त है मैं क्यों उसको खाऊंगा। कहती है नहीं आप तो हर चीज़ को खा जाते हैं ना एलिगेटर भाई, इस वजह से मैंने कहा है। वो कहते नहीं वो मेरा दोस्त है, मैं दोस्तों को तो नहीं ना खाता, तो वो वैसे भी मेरा इतना अच्छा दोस्त है, वो मेरी इतनी केयर करता है तो मैं उसको खाना शुरू कर दूँ। वो कहती है नहीं मैं इस वजह से कह रही हूँ कि मैं एक दिन बैठ के सोच रही थी कि अगर आपका दोस्त इतनी मज़े मज़े की चीज़ें मीठी मीठी ले के आता है तो उसका जो दिल है वो भी मीठा होगा, आप अगर उसका दिल खाएंगे तो आप उसका दिल जो है वो बड़ा मज़े का लगेगा। वो ना एलिगेटर कहता है इस तरह की बातें ना मुझे सिखाओ, हमारी दोस्ती जो है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी है तो मुझे नहीं पसंद है कोई मेरे दोस्त के बारे में को बात करे। लोमड़ी कहती है आए हाय भाई मैंने तो वैसे ही एक बात की है जनरल, तो आपने तो इसको दिल पे ले लिया है, चले आगे आपकी मर्जी है। मैं तो ये कह रही थी कि जब आपका दोस्त इतनी मीठी मज़े मज़े की चीज़ें ले के आता है तो जब आप उसके दिल को खाएंगे तो उसका दिल कितना मज़ेदार और मीठा मीठा होगा। वो कहता नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है उसका दिल खाने की ना, तो मैं अपने दोस्त को मार दूँ, आप ये चाहती हो। तो वो ना चली जाती है। तो जो एलिगेटर होता है ना उसके जेब में बात आती है कि बाकी मेरा दोस्त तो इतनी मीठी चीज़ें ले करता है तो हो सकता है कि इसका दिल भी मीठा हो, मतलब उसके दिल में ना क्या आना शुरू हो जाता है ना लालच। हाँ लालच आना शुरू हो जाता है। कहता है कि नहीं ये मैंने कहानी सुनी हुई है। कहाँ से? मैंने वीडियोस में देखती हूँ ना, मैं कहानी देखती हूँ ना,
अच्छा मैंने सुनी है। अच्छा देखो मैंने आप वैसे सुनाए। फर्स्ट मैंने छोटे तभी नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने अच्छा फर्स्ट टाइम सुनाए। पढ़ी है। अच्छा तो वो जनाब, अच्छा तो उसके दिल में इस तरह का वो आता है, लालच आता है कि वाकई इसका दिल जो है वो बड़ा मीठा होगा। तो फिर कहता है, नहीं ये तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे लिए इतनी मज़े मज़े की चीज़ें लेके आता है, तो मैं ऐसे ही अपने दोस्त के साथ अपनी दोस्ती जो है वो ख़त्म कर लूँ, मुझे तो नहीं ये चीज़ अच्छी लगती ना। तो वो ना अगला दिन होता है तो बंदर जो है ना वो उसको मिलने आता है, तो उसके लिए मीठी मीठी चीज़ें लेके आता है। तो दोनों खा रहे होते हैं, तो ना मगरमच्छ के दिल में ना वो एलिगेटर। हाँ एलिगेटर के दिल में ना वो वाली बात आती है जो लोमड़ी ने उसको कही होती है। तो वो कहता है कि ना, वो ना कहता है ना, क्या उसका नाम है बंदर भाई, मैं आपसे एक बात करूं। वो कहते हैं हाँ मेरे से करो। वो कहते हैं कि ना आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। वो आगे से कहते हैं नहीं बुरा तो नहीं मनाऊंगा। कहते हैं मैं ना एक बात सोच रहा था कि आप मेरे लिए इतनी मज़े की मीठी मीठी चीज़ें लेके आते हैं। वो कहते हैं हाँ, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं ना, तो जो दोस्त होते हैं ना उनके लिए मीठी मीठी, जोहर थोड़ा अंधेरा काम करो, नज़र नहीं सही आ रहा। तो मेरा जो दोस्त है वो मेरे लिए इतनी मीठी मीठी चीज़ें ले करता है, तो आपका जो दिल होगा अगर मैं वो दिल खा लूँ तो वो दिल कितना मीठा होगा। तो ना वो बंदर को ना वो ख़तरा महसूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एलिगेटर तो सबको खा सकता है, सबकी डेथ कर सकता है। तो बंदर कहता है, बंदर सोचता है फटाफट, वो कहता है आपके दिल में ये ख्याल कहाँ से आया। कहता वैसे ही मेरे दिल में ना ये ख्याल आया कि आप खुद इतनी मीठी मीठी चीज़ें लेके आते हैं और अच्छे भी हैं, तो आपका दिल कितना मीठा होगा। तो बंदर कहता है अच्छा चले मैं ना आता हूँ। एलिगेटर कहता है नहीं मैंने आपको खाना है, आपका दिल वाकई मीठा होगा इसी वजह से आप भाग रहे हैं, इस तरह करके ना उसको कहता। तो वो कहता है आगे से एलिगेटर, वो बंदर आगे से कहता है एलिगेटर भाई आपको पता ही नहीं है मेरा जो दिल है ना वो दरख्तों के ऊपर है, दरख्तों के ऊपर रख के आया मैं। तो कहता है दरख्तों के ऊपर? वो कहता है जब मैं रोज आपके पास आता हूँ तो कहाँ से आता हूँ? कहता है आप जब रोज आते हैं तो दरख्तों से आते हैं। कहता है मैं मीठी चीजें कहाँ से लेके आता हूँ? कहते हैं मैं आप मीठी चीजें दरख्तों से लेके आते हैं। कहते हैं ऐसे ही, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा जो दिल है ना वो भी कहाँ होगा, दरख्तों के ऊपर। मेरा दिल जो है ना वो दरख्तों के ऊपर होगा, तो मैं अपना दिल ले आऊँ ताकि मैं अपने दोस्त को अपना दिल भी खिला दूँ, तो इसको पता चले कि मेरा दिल मीठा है कि कैसा है। कहता अच्छा चले जल्दी आना। जब वो उधर जाता है ना तो वो उधर जाके तो दरख्त के ऊपर जाके बैठ जाता। तो वो कहता है बंदर भाई आप वापस क्यों नहीं आ रहे अपना दिल लेके? वो कहता है मैं, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे बड़े दिल से दोस्ती की थी, मैं आपसे बड़ा प्यार करता था, लेकिन आप मुझे कभी फील नहीं था होगा आपसे खतरा, लेकिन आज मुझे आपसे खतरा फील हुआ है। कभी जो वो होता है दिल भी कभी दरख्तों के ऊपर रखा जाता है, तो मैं तो आपसे अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से बहाना बना के आपसे आया हूँ, आपने तो मुझे खा जाना था, और मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ और आप मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं कि आप मेरा दिल खाना मुझे मारना चाहते हैं, तो ये तो कोई दोस्ती ना हुई। आप वाकई दोस्ती के काबिल नहीं हैं, आप लोगों को खाते हैं और सबको, जानवरों को खाते हैं, सही आपके बारे में मशहूर था, तो मैंने ऐसे ही आपके ऊपर ना यकीन किया। तो जो है ना अब मेरी और आपकी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म, और मैं अब आपका दोस्त नहीं हूँ ना ही आपके लिए मीठी मीठी चीज़ें लाऊँ। एलिगेटर को इतना दुख होता है, वो बैठ के ना फिर इतना रोता है कि मैंने लूमड़ी की बातों में आके क्या किया, अपने दोस्त को गवा दिया। ठीक है अब ये कहानी हो गई। अब जैसे एक क्यों छोटी सी शॉर्ट स्टोरी मैंने पढ़ी है। हाँ क्यों क्योंकि शॉर्ट पढ़ी है ना, मुझे बड़ी नहीं थी ना मिलनी। एक ना तालाब में ना मछलियाँ रहती हैं मिलके, तो बड़ी प्यारी होती हैं सारी मछलियाँ, पता है ना मछलियों के कईयों के रंग जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो एक मछली जो होती है ना उसका कलर जो है ना वो ब्लू कलर का होता है,
तो उसका बड़ी प्यारी भी होती है, तो सारे उसको ना नीले रंग की होती है ना, तो उसको सारा उसका नाम रख देते हैं सारे नीला नीली परी। क्या रख देते हैं? हाँ, नीली परी, नीली परी। उर्दू में ब्लू को क्या बोलते हैं? नीली। तो ना वो ना दरिया में इकट्ठी रहती हैं, बड़ा उनको ना वो क्या उसका नाम है, उनको बड़ा मज़ा आता है, खेलती हैं, कभी इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं, बहुत बड़ा उनकी ना उनकी बहुत बड़ी फैमिली होती है। तो ना जो नीली परी होती है ना वो बहुत ज़्यादा समझदार होती है, वो कोई भी काम करती है ना तो वो सोच समझ के करती है, जितनी वो खूबसूरत होती है उतनी ज़्यादा ना वो अक्लमंद भी होती है। तो एक दिन ना वो ना तैर रही होती है, तो वो दो ना आदमी भाई रात ना रुकती है, मछेरे, उनको मछेरे बोलते हैं। हाँ, मतलब जो मच्छर करते जो हैं। ना ये पिद्दा, तो फिर एक मिनट जाना, एक मिनट, एक मिनट जाना, ये नीचे गिर जाएगा, एक मिनट मैं आपको सुना। इतना मोटा था, हाय हाय, इतनी मुश्किल से मैंने पकड़ा है। तो वो दो मछेरे होते हैं, वो बातें कर देते हैं, तो वो जनाब क्या उसका नाम है, ये ना बातें उनकी सुन रही होती है। वो एक मछेरा दूसरे मछेरे को कहता है कि मैंने ना, हम दोनों ना कल आएंगे और मछलियों वाला जाल पकड़ के लाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्यारी प्यारी मछली हैं, इनको पकड़ेंगे और उनको जाके क्या करेंगे, बेच देंगे। मार देंगे। नहीं, बेच देंगे ना, फिर जो जब बेचते थे ना मछेरे, अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा, जब बेचते थे ना, तो फिर वो लोग मुख्तलिफ एरियाज में जाती हैं, फिर जैसे हम लोग बाई नहीं करते, करते हैं ना, फिर हम पकाते भी हैं, तो मुख्तलिफ एरियाज में ऐसे ना मछेरे पकड़ के ना कहते, यार इधर बहुत ज़्यादा मछली है, हम कल ना इधर ही आएंगे। तो नीली मछली सुनती है तो उसको बड़ा ज़्यादा दुख होता है, कहती है मुझे लग रहा है कि ये हमारे लिए वाकई ना खतरे की अलामत है। एक मिनट जाना, आगे भी मैं हिली थी, एक मिनट बेटी, ये गेट साइड है, ये हमारे लिए खतरे की अलामत है, तो हम ना ऐसा करते हैं, वो कहती है हम ना ऐसा करते हैं कि मैं अपने दोस्तों को जवा के ना भाग के भाग जाती हूँ, ताकि उन लोगों ने भागना हो ना तो वो भाग जाएं और हम लोग किसी और जगह चले जाएं, ताकि मछेरे जब यहाँ पे आए तो उनको कुछ भी ना मिले, उसका कहने का ना ये मकसद होता है। तो ना क्योंकि उसको अपने दोस्तों से बड़ा प्यार होता है ना, और वो होती भी बड़ी ज़्यादा ना, वो होती है समझदार होती है बड़ी ज़्यादा, तो वो ना अपनी दोस्तों को पास आती है, कहती है प्यारी दोस्तों प्यारी दोस्तों, वो कहती है हाँ नीली परी क्या हुआ है, कहती प्यारी दोस्तों मेरे लिए ना हम सब के लिए एक बुरी खबर है, वो कहती है क्या हो गया है क्या हो गया है, वो कहती है कि ना बुरी खबर ये है कि मैं ना सुन रही थी कि एक ना दो मछेरे आए थे, मैं उधर पानी में ना तैर रही थी, तो मैंने सुना दो मछेरे आए और उन्होंने आके ना कहा कि कल हम आएंगे और आके इधर जितनी भी मछली है ना, इन सारी मछलियों को हम ना जाल में फंसाएंगे और सबको यहाँ से ले जाएंगे और वहीं जाके ना किसी दूसरे शहर में जाकर इनको बेच देंगे और हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो मेरी प्यारी दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से मूव कर जाना चाहिए, हमें चाहिए कि हम कहीं और चली जाएं। वो कहती है, उसकी दोस्तें कहती हैं ये तो पागल है, ऐसे भी कभी होता है, अगर वो मछेरे मछेरों ने पकड़ना होता तो वो तो हमें इधर ही आके पकड़ लेते ना, अभी आके पकड़ लेते, उन्होंने अब कल का वेट तो नहीं था करना, हमने तो नहीं जाना है, ये तो हमेशा इस तरह की अजीबोगरीब ही बातें करती है, वो बड़ी समझदार होती है ना, तो वो समझदारी वाली बातें करती है। तो कहती है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं अपने से भी नहीं बना रही, मैंने वाकई देखा है। वो कहती है नहीं नहीं बहन, हमने नहीं जाना है, हम यहाँ पे इतने खुश हैं, इतना मज़ा आता है इस पानी में, और इतना इतना बड़ा हमारा ग्रुप है, अब हम आपके पीछे लग के दूसरे पानी में चले जाएं, वहाँ पे और मछलियाँ होंगी, हम उनको जानती भी नहीं है, वो हमारे साथ ऐसे ही कोई लड़ाई झगड़ा करेंगी, तो बेहतर यही है कि हम अपने ठिकाने पर रहें।
नीली परी चली जाती है, कहती है अच्छा चलो आप लोगों की मर्जी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने मेरा तो काम था, मैंने आप लोगों को बताना था तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने खुद अपनी आंखों से ना ये बात सुनी है। तो वो ना जनाब अगला दिन होने से पहले ही ना वो दूसरा जो छोटी सी नदी जो होती है ना उस नदी से क्रॉस करके ना तो वो चली जाती है किसी और साथ वाला जो दरिया होता है ना उधर चली जाती है। अच्छा जब वो साथ वाले दरिया में चली जाती है ना तो ना वो कहती है उदास भी होती है क्योंकि वो अपनी दोस्तों को भी छोड़ के चली जाती है। और उनके दोस्त क्या करेंगे? दोस्तें कहती हैं सारी कहती हैं हमने नहीं जाना आप ही जाओ अकेली। और उनको भी नहीं आने उनको देंगे? लगता ये लगता है कि ये झूठ बोल रही है कि वो सच बोल रही होती है क्योंकि उसने कुछ सुना होता है इस तरह की बात। तो लेकिन वो ना चली जाती है क्योंकि उसको अपनी जान अजीज होती है। अगर वो उनके पास चली गई तो जाहिर सी बात है लोगों ने जनाब वो मछेरों ने उसको पकड़ लेना था। अच्छा वो दूसरे में चली जाती है तो अगला दिन होता है तो दो आदमी आते हैं तो वो आके ना तो वही वाले मछेरे होते हैं तो वो आके ना तो उसको जाल बिछाते हैं अपना और जितनी भी मछलियाँ होती हैं सारी मछलियों को पकड़ लेते हैं जाना जाल में फंसा के ना सारी मछलियाँ इतना ज़्यादा चीखती हैं हमें बचाओ हमें बचाओ। तो नीली मछली देखती होती है तो वो कहती वो दिल में कहती है कि मैंने इनको कहा था कल कि आ जाओ आप लोग उधर मेरे साथ लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो नतीजा भुगत नहीं है ना अब नतीजा भुगते हैं तो अब मैं क्या कर सकती हूँ मेरे पास तो और हल नहीं है। मैंने इनको आके कल कहा भी था तो ना इस तरह वो अपनी अक्लमंदी की वजह से वो बच जाती है तो सारी मछलियाँ जो है वो मछेरे पकड़ लेते हैं और इस तरह वो उनको पकड़ के तो वो मछेरे ले जाते हैं पता ना कहाँ ले जाते हैं बेचने के लिए। क्या हो गया। अच्छा अब मैं आपको ना एक अंधेरे की वजह से